अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो ये आज दो साउथ अफ्रीका के वीजा लग के आए हैं, एक इंडियन पासपोर्ट है और एक पाकिस्तानी पासपोर्ट है। इंडियन भाई ये हमारे साथ बैठे हुए हैं और जो पाकिस्तानी भाई हैं वो वीडियो में नहीं आना चाहते हैं। खैर, इनका वीजा इंस्टाग्राम पे दोनों का अपलोड हो जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। और दोनों भाइयों का पासपोर्ट फ्रेश, कहीं का कोई ट्रैवल नहीं है, किसी भी कंट्री का ट्रैवल नहीं है। दोनों का वीजा प्रोफेशन बता देता हूँ और कितने दिन में इनके वीजा लग के आए और इनकी बैंक स्टेटमेंट क्या थी वो भी बता देता हूँ। देखें जी, जो है इंडियन भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका वीजा यूएई में वीजा प्रोफेशन है, अकाउंट्स मैनेजर का है, अकाउंट्स मैनेजर है और किसी भी कंट्री का इनका ट्रैवल नहीं है, जस्ट यूएई का वीजा लगे हुए हैं और कहीं पे इन्होंने ट्रैवल नहीं किया। फ्रेश पासपोर्ट पे ये साउथ अफ्रीका का वीजा दो दिन में मिला इनको, और इनको जो एंट्री मिली 10 डेज की मिली 3 मंथ की वैलिडिटी के साथ। और सेकेंड वीजा मैं आपको दिखाता चलूँ, ये है जी पाकिस्तानी पासपोर्ट, ये वीजा साउथ अफ्रीका का, किसी कंट्री का कोई ट्रैवल नहीं, ये आप देख लें, सिर्फ यूएई का वीजा लगे हुए हैं और किसी भी कंट्री का कोई भी ट्रैवल नहीं है। इस पासपोर्ट पे भी फ्रेश है। अच्छा, इनका यूएई में वीजा प्रोफेशन क्या है जी? प्राइवेट ड्राइवर का वीजा जी। जो प्राइवेट ड्राइवर है, सर्वेंट है, ऑर्डिनरी लेबर है, वो भी ये वीजा गेट कर सकते हैं। देखिए, इनका जो प्राइवेट ड्राइवर का वीजा है यूएई में, उसके बावजूद इन्होंने 3 दिन के अंदर ये साउथ अफ्रीका का वीजा लिया। जो इंडियन पासपोर्ट थी इनपे 2 डेज में वीजा, और जो पाकिस्तानी पासपोर्ट था इनमें 3 डेज में वीजा मिला। अब डॉक्यूमेंट्स पहले बात बताता हूँ, फिर उसके बाद भाई से ही बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में बताता चलूँ दोस्तों, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, एक NOC चाहिए जो आपने मुझे ला के देना है, एक 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, पिक्चर और NOC। इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो अर्ली स्लॉट मिल जाएगी आपको, 2-4 दिन के अंदर अंदर की अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। VFS ग्लोबल के थ्रू आपने सबमिशन करवानी होती है, वाफी मॉल में सबमिशन होती है, वहां पे आप जाते हो, इसकी फीस सबमिट करते हो और आपको 2-3 दिन में आपका पासपोर्ट मिल जाता है। जी भाईजान, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको कितने दिन में पासपोर्ट रिसीव हुआ था, आपने सबमिशन कब करवाई थी, पासपोर्ट कब रिसीव हुआ और आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी या नहीं थी? पहले थैंक यू देना चाहता हूँ समीर सर को, जो मेरे को वीज़ा मिला सर समीर सर तरफ से, एंड बहुत बहुत शुक्रिया सर को, जो बहुत कंसल्टेंसी में घोरा, बहुत जगह में किया, लेकिन समीर सर को जरा ऐसे बिहेवियर, ऐसे पोलाइटली लैंग्वेज, ऐसे गाइडनेस मैं पहली बार देखा। मैं 7 तारीख जमा किया था साउथ अफ्रीका में, सर जी पूरा फाइल मेरे को बना दिया, हम 7 तारीख जमा किया, 9 तारीख मेरे को वीजा आ गया। ठीक है, 7 तारीख को आपने सबमिशन करवाया, सबमिशन किया हाँ, और 9 को वापस आ गया, यानी कि प्रोसेसिंग टाइम तो एक दिन लगा ना, 7 को आपका आपने सबमिशन करवाई, यस सर, 8 को आपका वीजा प्रोसेस हुआ, 9 को वापस, 9 तारीख को मेरे SMS आया जी आपका वीजा ये है, यानी कि एक दिन में हुआ। ठीक है, और जो दूसरे भाई हैं उनका इस हिसाब से देखा जाए तो 2 दिन लगे। तो इस तरीके से आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी यहाँ? नहीं नहीं सर जी, मेरा कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था। ठीक है, किसी भी कंट्री में नहीं गया? कोई भी कंट्री नहीं गया मैंने। अच्छा, ये फर्स्ट ही आपने? फर्स्ट ही। ठीक है, अभी आप साउथ अफ्रीका जा रहे हैं? साउथ अफ्रीका जाएगा सर जी, लास्ट महीने में साउथ अफ्रीका, वो भी सारी टिकट कर देगा, सारी जहाँ पे होटल बुक कर देगा भाया, समीर सर को जिधर जाएगा समीर सर की जब से जाएगा। ठीक है, चले इनका आगे प्लान अब देखें, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। पहले इनका ये साउथ अफ्रीका वगैरह लगा, एक दो इनके कंट्रीज के ट्रैवल हिस्ट्री बना के, और उसके बाद इनका यूरोप शेंजन में वीज़ा अप्लाई करेंगे, इनका आगे शेंजन वीज़ा अप्लाई होगा, फिर अमेरिका, कनाडा, इस तरीके से वीज़ा अप्लाई होंगे। मैंने हमेशा बात की है ट्रैवल हिस्ट्री पे, ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आसान कंट्रीज। देखिए, मैं एक ही वक्त में आपको 2-4 कंट्रीज सजेस्ट करता हूँ, जिसमें रोमानिया है। रोमानिया के जब आप कर रहे हो उसका टाइम प्रोसेसिंग ऑनलाइन आपने सबमिशन करवानी होती है, फिर टाइम थोड़ा सा लगता है, उसी ड्यूरेशन में आप ये वीज़ा लगवा सकते हो साउथ अफ्रीका का, 2-4 हफ्ते 10 दिन में वीज़ा लग के आ जाता है, मैक्सिमम वीक लगता है। अगर आपने अपॉइंटमेंट भी लेनी है सब करने के बाद अगर आप देखते हो तो 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। इसके साथ आप इजिप्ट का वीज़ा लगवा सकते हो, इजिप्ट भी 1 हफ्ते के अंदर वीज़ा लग जाता है। उसके बाद आप 1-2 कंट्रीज के और वीज़ा लगा के फिर शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, फिर आपके वीज़ा लगने के बड़े अच्छे चांसेस हैं, आप कर सकते हो। बाकी भाई टिकटॉक वगैरह पे भी बनाते हैं, टिकटॉक का अकाउंट बता दो क्या? Adi_Spanish मेरा टिकटॉक ID है, ठीक है ना, वो अभी देख सकते हो, अभी मेरा जितना ये है हम अपलोड कर देगा वीज़ा जी। और मेरा जो आगे प्लान है, शमी सर जैसे गाइड करेगा, मेरा शेंजन का प्लान है,
सभी सर मेरे को बताया जाए स्टेप बाय स्टेप, मंडल भाई आपका जाना है, मैं स्टेप बाय स्टेप सर को ही फॉलो कर रहा है और इंशाल्लाह सेंजन वीजा भी लग जाएगा और समीर भाई थ्रू से ही लगेगा जी, मैं उम्मीद है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो गाइज मेरा ऑफिस एड्रेस, कॉलिंग नंबर और इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये जो वीजा है इनकी डिटेल आप इंस्टाग्राम से जाकर ले सकते हो, इंस्टाग्राम पे अपलोड है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक पे, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।